हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड. एक्चुअली आई हैव ट्रैवल्ड टू पंजाब, सो छोटा सा बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों की क्लास मिस ना हो. सो मैंने सोचा यहाँ भी एक छोटा सा अरेंजमेंट करना चाहिए. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी कार्बन फैमिली, दैट इज़ ग्रुप 14. देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू नो द बेसिक, ठीक है ना? तो बेसिक में आज हम लोग क्या करेंगे, डायमंड करेंगे, ग्रेफाइट करेंगे. ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं. अभी पिछली बार ही ग्रेफाइट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था CSI या नेट में, उसको भी मैं इसी क्लास में डील करते हुए चलूँगी. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसकी करेंगे इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट, जिसमें से भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, फ्लोरीन से क्वेश्चन बन जाते हैं. तो आज की क्लास में हम लोग ये मूव ऑन करेंगे. ठीक है, देखो कार्बन फैमिली, ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप 14 फैमिली. इसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड. ठीक है, ये वाले हमारे कंपाउंड्स होते हैं. हमें पता है कार्बन इज़ अ नॉन मेटल एंड सिलिकन एंड जर्मेनियम, ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम. जर्मेनियम को तो हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना? दीज आर मेटलॉइड. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, इनकी आधी मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है. इसके बाद आते हैं टिन एंड लेड. दीज आर प्योर मेटल्स. हमें पता है लेड की वायर्स होती हैं. ठीक है, लेड हमारे क्या कहते हैं, पेंसिल्स में भी ग्रेफाइट यूज़ होता है. ठीक है, तो ये मेटल्स होते हैं. अब आते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी. देखो, यही दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन ग्रुप 14 फैमिली. ठीक है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट आउट ऑफ मोस्ट शेल इन आइसोलेटेड एटम. ठीक है, तो हमें पता है जितना छोटा होगा उसमें से निकालना उतना ही मुश्किल होगा. और हमें पता है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज होता जाता है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा. ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि है. सिलिकन की है, फिर जर्मेनियम की और कम है क्योंकि बढ़ गया साइज, बट टिन और लेड में से, बट हम जब लोग टिन और लेड में आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी होना क्या चाहिए था? टिन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेड का कम होना चाहिए था, पर लेड का ज़्यादा होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ आपको बोरोन फैमिली में. ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले बोरोन फैमिली अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया है. इवन आप जो केमिकल बॉन्डिंग है वो भी क्लास देख सकते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो लेड है इसका साइज थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू टिन, तो जिसके वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू टिन. ठीक है ना, तो लेड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप एक बार अगर समझ लेते हो ना तो आपको हमेशा याद रहता है. और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. अब इसी बार का CSI या नेट का अगर आप एग्जाम देखोगे, पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर था. तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑब्वियस ही बात है, स्मॉलर द एटम इट विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट है. तो इसी तरीके से यही होना चाहिए कि कार्बन छोटा है तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर अपना कम होना चाहिए था सिलिकन का, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड. पर यहाँ पे भी यही होता है कि जर्मेनियम का ज़्यादा होता है और वहाँ पे लेड का ज़्यादा होता है. ये भी इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, यहाँ पे डी भी है और एफ ऑर्बिटल्स आ जाती हैं. इसको हम लोग बोल देते हैं अल्टरेशन इफेक्ट, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बोरोन फैमिली. ठीक है, कन्फिग्रेशन NS2 NP2. ठीक, मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकेज, मतलब एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन बनाया जा रहा है बिटवीन सेम टाइम ऑफ एटम, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकेज. देखो, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरव्यू में, PhD एग्जाम्स में, MSc का एंट्रेंस दे रहे हो जो BSc के है, IIT जैम में, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कार्बन के ही इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं, कार्बन की ही इतनी बड़ी ऑर्गेनिक फैमिली है सिर्फ कार्बन की, ऐसा क्यों? तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कैटिनेशन. एंड व्हाई इट इज़ कैटिनेशन? बिकॉज ऑफ द कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑफ एलिमेंट्स जो इसी के ग्रुप में है या दूसरे पीरियोडिक टेबल में है. तो जिसकी वजह से ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, डिफरेंट वराइटीज़ की चेन बनाता है, तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हो जाते हैं. तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन
इट फॉर्म्स सो मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन चेन्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड मोर इज द कैटेनेशन पावर। तो अगर मैं बोलूँ इन द होल ऑफ द ग्रुप कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड की सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर किसकी होगी, ऑब्वियस है कार्बन कार्बन छोटे छोटे हैं तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो उनकी कैटेनेशन पावर भी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं आऊँगी ऊपर से नीचे तो कैटिनेशन की पावर डिक्रीज होगी क्योंकि हमारा बॉन्ड वीकर होता जा रहा है और बॉन्ड अगर वीकर होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप एक और लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एज द साइज इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस तो कैटिनेशन की जो पावर है कैपेसिटी है वो भी डिक्रीजेस, ठीक है। एंड ये अगर जो को कैटिनेशन मतलब लाइंस बना रहा है, चेन बना रहा है, तो इसमें ये दो तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है, या तो सिंगल बॉन्ड, मतलब ये पूरी फैमिली दो तरीके की बॉन्ड्स बना सकती है, या तो सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। इफ़ इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स जैसे कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है, तो ये जो कार्बन से लेके टिन तक का होता है इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेम एज दैट ऑफ डायमंड। हम डिस्कस भी करेंगे पर हम लोग बहुत ब्रीफ 11 12th में ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, फिर भी मैं इसको इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। तो इनका तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, लेड का जो ये लेड होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड इनका होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, हमें पता है ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की हेक्सागोनल चेन्स होती हैं, तो जिनमें भी डबल बॉन्ड होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ग्रेफाइट में, तो ये पूरी फैमिली ग्रेफाइट होनी चाहिए। बट ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड का ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज हमें पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप अब ऑब्वियस बड़े बड़े आइटम्स हो गए उनकी उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस द ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, और अगर ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। पाई बॉन्ड बनता कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आइटम है तो पहला दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। देखो अगर आपने मेरी कोऑर्डिनेशन देखा है तो यू नो इट कि पहले कोई भी एलिमेंट सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसके बाद दे फॉर्म अ पाई बॉन्ड। अब इनकी इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया बट बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट साइज दे आर नॉट सो एबल टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ऑब्वियस जब पाई बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा उतने अच्छे तरीके से, उतनी अच्छी कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसलिए ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और पूरी फैमिली कार्बन जो है ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एलोट्रॉपी पे, ये भी कार्बन फैमिली की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एलोट्रॉपी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ कार्बन इन अ बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन इन फॉर्म ऑफ कोक, कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होना बट उनकी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होना, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एंड वाई दे आर हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि दे हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है, किसी की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, किसी की ओवरलैपिंग डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से दे हैव अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इस पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स किसके हैं, कार्बन के हैं, वी ऑल नो दैट सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स किसके हैं, कार्बन के हैं। कार्बन इज हैविंग अ हाइएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रॉप इन हिज ग्रुप, मैंने पीरियोडिक टेबल में नहीं बोला, इन द कार्बन फैमिली कार्बन सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स बनाता है और जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, फुलरीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवन इन सीएसईएनएट एग्जाम, इवन एन IIT एग्जाम, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इनके एलोट्रॉप्स को। सो गाइज एज यू सी द वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैंने रिकॉर्डिंग तो पूरा किया था पर वॉइस पता नहीं अपने आप से रिकॉर्ड होना बंद हो गई, सो मे भी कोई टेक्निकल इशू था, मैंने तो कंप्लीट वीडियो बनाया था, तो कुछ नहीं होता, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बाय टुमोरो, कल भी इसकी एक वीडियो आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। इसी को मैं रिपीट बनाऊँगी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का, ठीक है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड, कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो अभी आप इतना ही करिए, ठीक है। अब हम अपनी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।